हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस क्लास इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स, दैट इज क्लास फोर का गणित जिसका नाम है अंक जगत। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं उसका चैप्टर सिक्स जिसका नाम है गुणा, दैट इज मल्टीप्लाई करना। ठीक, गुणा को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, गुणा को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, और गुणा करने को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई। आपको हम बेसिक से बिल्कुल शुरू से बताएंगे कैसे गुणा करते हैं और उसको गुणा मतलब नाम क्यों है गुणा। गुणा का मतलब होता है गुणा करना, बार बार उसका रिपीटेशन करना गुणा कहलाता है। तो समझते हैं थोड़ा बेसिक से। देखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जोड़ना और एक होता है गुणा करना। जोड़ने से गुणा सरल होता है और घटाने से भाग सरल होता है। तो इस प्रकार से समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा हमने क्या किया, ये फाइव है हमारे पास, फाइव प्लस फाइव, फिर प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव। अब आपसे कहा गया इन सबका एडिशन करिएगा, तो हम क्या करेंगे, फाइव प्लस फाइव टेन, प्लस फाइव फिफ्टीन, प्लस फाइव ट्वेंटी, प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव और प्लस फाइव थर्टी। तो इनका एडिशन क्या हो गया, थर्टी हो गया। तो हमने क्या किया, एक ही नंबर को बार बार एडिशन किया है। गुणा क्या माना जाता है, आप गुणा को एक तरीके से जोड़ का बड़ा भाई मान सकते हैं। कैसे, जैसे हमने ये किया अभी तक, तो हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं, पाँच गुणा कितने बार था, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आप गुणा कर दिएगा, सिक्स फाइव या थर्टी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणा मतलब जोड़ को थोड़ा आसान बनाने के लिए गुणा की मदद लेते हैं। किसी नंबर को बार बार जोड़ना ही गुणा करना कहलाता है। मतलब मेन डेफिनेशन जो गुणा करने की है, किसी नंबर को बार बार जोड़ना ही गुणा करना कहलाता है। जैसे फिर समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास 225 है, और 225 में फिर 225 का एडिशन करते हैं, एक बार फिर करते हैं और एक बार फिर करते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, अब इनका हमें एडिशन करना था। ये देखो ये कितने हो जाएंगे, 225 225 450 और ये भी 450, यानी कुल मिला के ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 900। इस प्रकार से हमारी बहुत बड़ी संख्या होती तो उनको कब तक एडिशन करते रहते, यानी एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो तो हम वो ना करके हम क्या करें उसका गुणा कर दें। तो ये 225 कितने बार थे, 225 थे हमारे यहाँ पर चार बार। तो हम जैसे गुणा करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, चार पंचे बीस, चार दूनी आठ, दो दस और चार दूनी आठ नौ। तो एक तरीके से जोड़ की मदद करने के लिए हम गुणा का सहारा लेते हैं। तो एक तो ये आपने डेफिनेशन समझ पाई होगी, किसी संख्या का बार बार जोड़ना ही गुणा करना होता। दूसरा क्या है इसका गुणधर्म वो देखिएगा। दूसरा ये है कि हम किसी संख्या में, जैसे मेरे पास देखिएगा ये एट और इंटू नाइन है, इनका हमें गुणा करना है, तो 9 8 72 होती है, 9 8 72। तो यहाँ क्या किया गया, 8 में 9 का गुणा हो रहा था, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 9 इंटू 8। अब 8 9 72 ही होते हैं, यानी 9 8 72 या 8 9 72 या 9 8 72 एक ही बात है। यानी गुणा का क्रम बदलने से उसके जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्रम क्रम बदलने से मतलब क्या होता है, ए गुणा बी इज इक्वल टू बी गुणा ए, आप किसी भी क्रम में लिख करके गुणा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ज़्यादातर क्या करना चाहिए, हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का गुणा करना चाहिए। बड़ी संख्या से मतलब जैसे अभी हमसे ये कहें आपको 225 में ये करिएगा चार का गुणा, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से हमेशा 225 में चार का गुणा करेंगे, चार में 225 का नहीं करेंगे। लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, एक ही हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी संख्या में भी वन का गुणा करने से वह हमेशा नंबर वही आता है। किसी भी संख्या में वन का गुणा करें चाहे वन में करें, हमेशा वो नंबर ही आएगा। दूसरा गुणधर्म क्या है, किसी भी नंबर में जब हम जीरो का गुणा करते हैं तो हमेशा जीरो ही आता है, या जीरो में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। अब गुणा करने के तरीके बहुत से होते हैं, अब हम आपको वो बताएंगे। जैसे मान लीजिएगा कि 125 में हमें गुणा करना था 12, तो एक तो हमारे पास सीधा सीधा तरीका ये बेसिक मेथड होता है, 125 इस प्रकार से लिखें और ऐसे 12 लिखें, जो बेसिक तरीका आपने सीखा। अब पहले हम दो का गुणा करेंगे, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। अब वन का करेंगे तो यहाँ पर एक अंक छोड़ेंगे, वन का फाइव में करेंगे 5, वन का टू में करेंगे 2, वन का वन में करेंगे 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइनों का एडिशन कर देते हैं, ये हो गया जीरो, ये भी जीरो, ये हो गया 5 और ये 1। ये बेसिक तरीका हो गया। हम चाहते थे एक और तरीका लगा करके इसका मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्या 125 को हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे 100 प्लस 20 प्लस 5। अब आप इसमें 12 का गुणा कर दीजिएगा, हमने 125 को तीन जगह तोड़ दिया, तो 12 का गुणा जब 100 में करेंगे तो सीधा सीधा 1200 हो गया।
12 का गुणा जब हमने 20 में किया तो ये 12 दूनी 24, 240 हो गया, और 12 का गुणा जब हमने 5 में किया 12 पंचे 60 हो गया। आपसे इन सबको जोड़ेंगे, अब देखिएगा ये 12 दो 1400 हो गए और ये भी 100 हो गए, सीधा सीधा 1500 हमने ऐसे लगाए। यानी बहुत से तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा आप मल्टीप्लाई को करना सीख सकते हैं। दूसरा एक गुणधर्म क्या है वो भी देखिएगा। दूसरा ये जैसे कोई नंबर हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ, मान लीजिएगा ये लिखा हुआ 10,000 और इसमें मल्टीप्लाई हमें 18 का करना है, तो आप कैसे करोगे? बेसिक तरीका से लिख के करोगे? नहीं, हम पहले जितने लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में जितने जीरो होते हैं उसके प्रोडक्ट में उतने ही जीरो आने वाले होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसका जब भी आप गुणा करके निकालेंगे तो 4 जीरो लास्ट में आने ही आने हैं। अब 18 का गुणा केवल एक साथ कर दो, 18 एकन, इस प्रकार से भी कर सकते थे। या मान लीजिए आपके पास ये नंबर होता 10,000 इस प्रकार से होता, और इधर लिखा था मान लो ये 5,000, इनका मल्टीप्लाई हमको करना था, तो हम क्या करते, जितने भी जीरो हैं सब गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जब भी आप गुणा करेंगे इसकी लास्ट में 7 जीरो ही आएंगे, और 5 का गुणा वन के साथ करेंगे 5 बन जाए 5, लीजिए गुणा हो गया। आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। अब चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर, एक चीज़ और समझते हैं, दूसरा गुणधर्म क्या है। जब हम गुणा करते हैं, जैसे अभी हमने ये गुणा किया था, अब इनमें नाम क्या होते हैं? इस नंबर का नाम होता है मल्टीप्लिकेंड, यानी गुण्य, हिंदी में कहते हैं गुण और इंग्लिश में कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड CND। और जिस नंबर से गुणा करते हैं उस नंबर का नाम होता है गुणक, यानी मल्टीप्लायर, MULTIPLIER, मल्टीप्लायर। और ये जो निकलता जा करके है इसे कहते हैं प्रोडक्ट, यानी जो गुणनफल होता है उसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं या गुणनफल। तो इन तीन चीज़ों के नाम आपको पता होने चाहिए, ये प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। ये गुणन मतलब ये भी 2 का प्रोडक्ट था, ये 1 का प्रोडक्ट था, इन्हें भी ये प्रोडक्ट ही थे लेकिन ये टोटल प्रोडक्ट ही रखा हुआ है। तो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करते वो होता गुण या मल्टीप्लिकेंड, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते वो होता गुणक या मल्टीप्लायर, और जो हमारा गुणनफल आता वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6 है। देखो ये गुणा दिए गए आपको, 580 में 125 का गुणा करना है, ये गुणा करना है, ये सब गुणा ही करने हैं, यानी पहला सवाल ये, दूसरा सवाल सब गुणा करने हैं। तो ये गुणा करने आपको आते होंगे, आप कर लेंगे, लेकिन हम जो बड़ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन यानी इबारती टाइप के जो क्वेश्चन है गुणा करने के, हम आपको वो कराएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 से आपको हम करवाते हैं। पहला क्या है कि एक पुस्तकालय में 25 अलमारियाँ हैं। आप अलमारियाँ जानते हैं, एक अलमारी ऐसी होती है उसमें 25 किताबें रखी हुई हैं, और प्रत्येक वो सॉरी एक पुस्तकालय में 25 अलमारियाँ, यानी अलमारियाँ कितनी पुस्तकालय में रखी? 25। अब वो कह रहे प्रत्येक अलमारी में किताबों की संख्या कितनी? 275, 275 बुक्स एक अलमारी में रखी हुई हैं। तो पूछा आपसे क्या जा रहा है कि उस पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, ये कैसे पता करेंगे? तो हमको करना क्या है, एक का देकर के जब ज़्यादा का पूछा जाए, जैसे हम वही बात है एडिशन करेंगे, पहली अलमारी में 275 प्लस 275 प्लस 275 प्लस 275, 275 को आप लगातार 25 बार एडिशन करें जैसे, तो पुस्तकालय में कुछ पुस्तकों की संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अलमारियां हैं 25, इस प्रकार से हमारे पास कुल मिलाकर के 25 अलमारियां, इनमें रैक्स होंगी, इनमें किताबें रखी, एक अलमारी में किताबें रखी हैं 275, और इस प्रकार से हमारे पास अलमारियां 25 हैं। तो हम क्या करेंगे, एक का देकर के ज़्यादा का पूछा तो सीधा कर देंगे, पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या लिख करके, पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बराबर हम क्या करेंगे 275 में कर देंगे 25 का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के आपके पास दो तरीके, ये आप बेसिक तरीके से करते हैं कि 275 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 37 कैरी 3 5 2 जा 10 और 3 13, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, 2 2 जा 4, 1 5, आप इनका कर देंगे एडिशन, तो ये हो जाएगा 5 7 8 और 6, यानी 6875 किताबें उस पुस्तकालय में हैं। दूसरा तरीका ये था हमारा मल्टीप्लाई करने का, 275 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 200 प्लस 70 प्लस 5, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर 25 का, 25 दूनी 50, 50 तो ये आ रहे 2 जीरो, ये तो ये हो गए 5,000, 1 जीरो ये है 25 सत्ते 175, यानी 1750, और 25 पंचे 125, आप इन सबको जोड़ देंगे 5 6 6875, 6875 किताबें उस पुस्तकालय में हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरा क्वेश्चन, एक घड़ी का मूल्य 560 रुपये, और ऐसी 108 घड़ियों का मूल्य कितना होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 560 में करना पड़ेगा 108 का गुणा, जैसे पाँच सौ साठ घड़ियों का मूल्य बराबर हम क्या करेंगे, 560 में गुणा कर देंगे 108 का। तो अब करेंगे आप 560 और ये 108, ये तीन अंकों की संख्या में तीन अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो 8 का 0 में करेंगे 0, 8 6 48 की 8, 8 से लेके 4, 8 5 40 और 4 0 का करेंगे, तो ये सब टर्म 0 ही आएंगे। अब 1 का करेंगे तो वही टर्म लिख दीजिएगा 0 6 और 5, आप इनका एडिशन कर देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा 0 8 4 4 5। तो इतने रुपए की वो 560 घड़ियां आएंगी, एक घड़ी का कीमत जबकि 108 रुपए है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन है कि तीन अंक की सबसे बड़ी और तीन अंक की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा? देखिएगा बहुत आसान है, मैं आपको यही बता दे रहे हैं, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, यानी 999, और तीन अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 100, केवल 100, यानी तीन अंक हो गए। आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 आएंगे ही आएंगे, और 1 का मल्टीप्लाई 999 करेंगे तो ये सीधा सीधा वो अंक ही आ जाएंगे, जैसे अभी हमने शुरुआत में इसी कॉन्सेप्ट आपको बताई थी। क्वेश्चन सिक्स है, यदि एक छत से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा 200 लीटर जल का संचय किया है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब होता है छत पे बरसे हुए पानी का, यानी आपके मकान की छत पे पानी बरस रहा, उस पानी को आप कहीं इकट्ठा कर लीजिए, ये वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है, और उस पानी को आप अपने काम में लीजिएगा, पौधों की सिंचाई करने के लिए, दूसरे कामों में। तो ये एक छत में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा 200 लीटर जल का संचय किया जाता है, ऐसी ही 15 छतों से कितने लीटर जल का संचय किया जाएगा? ज्यादा का पूछा गया, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे 200 का और 15 का, तो हम कैसे सीधा सीधा यहीं कर दे रहे, देखिएगा 200 में जब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जल की मात्रा नहीं, 2 0 लास्ट में है तो आएंगे ही, और 15 दूनी 30, 3000 लीटर पानी को इकट्ठा किया जा सकता है ऐसे ही 15 छतों से। क्वेश्चन सेवन है कि एक विद्यालय में 576 विद्यार्थी, एक महीने में एक विद्यार्थी की माध्यान्ह भोजन यानी MDM जो स्कूल में आप खाते हैं उसका 215 रुपये खर्चा हो रहा है एक बच्चे पर, तो बताइए एक महीने में सभी विद्यार्थियों पर कुल कितने रुपए का खर्चा होगा? तो हमें करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे लिख करके देखते हैं। एक माह का खर्चा यानी एक महीने का जो खर्चा निकलेगा, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 576, और एक स्टूडेंट का एक महीने का खर्चा 215। तो आप क्या करेंगे, इनका बेसिक मेथड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 215, ये तीन अंक की संख्या का तीन अंक की संख्या में गुणा, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35, 2 37 कैरी 3, 5 5 जा 25, 3 28, 1 का करेंगे तो वो नंबर ही आ जाएगा 575। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, सॉरी यहाँ 6 है, तो 5 6 जा 30 हो जाएंगे, कैरी लगेगी 3 5 7 जा 35 और 3 38 और आगे सही है ठीक। यहाँ पर केवल हमको क्या करना, 6 कर देना, इधर भी सही है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 2 6 जा 12 कैरी 1 2 7 जा 15, 1 14 1 15 और 5 2 जा 10 और 1 11। अब इनका सबका कर देंगे आप एडिशन, तो आपको जवाब मिल जाएगा 0 6 4 10 और 8 18, यहाँ से लगी 1 8 2 10 7 17 और फिर 1 18, 5 5 10 2 12 13 और ये हमारा वही रहेगा 13 3 यहाँ से लगी यानी 2। कितने रुपए का खर्चा आएगा उस विद्यालय में MDM का एक महीने का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, एक दुकान में विभिन्न सामानों का मूल्य लिखा हुआ है, ये आपका ये फ्रॉक है, ये स्वेटर है, ये स्कर्ट है, ये जूते, इन सब के कीमतें वहां पर लिखी हुई है। तो आप करना क्या है कि 3 स्कर्ट और 2 फ्रॉक खरीदने में कितने रुपए देने होंगे? 3 स्कर्ट, देखो स्कर्ट ये हमको 3 खरीदने हैं, तो 3 का खर्चा कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 4 3 12 13 और 3 2 6 7, यानी 735 3 स्कर्ट हो गए, और 2 फ्रॉक, ये फ्रॉक है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएंगे सीधे सीधे 430, और टोटल खर्चा कितना हो जाएगा आप इन सबको जोड़ दो, 7 4 11 और 3530 65, यानी 1165 रुपये। एक स्वेटर व 3 जोड़ी जूते का मूल्य, एक स्वेटर हमारा कितना का आ रहा, 375 का, और 3 जोड़े जूते कितने हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये सीधे सीधे कितने हो जाएंगे 600, अगर 200 होता तो 600 हो जाता, लेकिन 3 कम कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा जाके 597 ठीक। तो हमें एक स्वेटर
स्वेटर ये, अब आपने मैं जोड़ दिए 5 3 800, और ये एडिशन कर लो 7 5 12 की 5 9 7 16 1 17 और 5 3 8 ठीक 9, यानी 975 रुपये। ठीक, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन संख्याओं में के आधार पर गुणा से संबंधित इबारती प्रश्न बनाने हैं आपको। ठीक, जैसे ये इबारती प्रश्न लिखे हुए थे ये, ऐसे आपको सवाल लिखने हैं इन अंकों का प्रयोग करते हुए। तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरे पास 625 रुपये पहले जेब में थे, अब हमें 125 रुपये, नहीं अब तो वो एडिशन हो जाएगा। जैसे मेरे हर व्यक्ति को 625 रुपये देने हैं, जैसे 625 लोग हैं और हर व्यक्ति को 125 रुपये देने हैं, तो कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप ऐसे लिख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख सकते हो कि एक स्कूल में 777 बच्चे हैं और हर बच्चे का 1 महीने का मिड डे मील का खर्चा 205 रुपये है, तो टोटल 770 बच्चों का 1 महीने का खर्चा कितना होगा। आप इस प्रकार से भारतीय प्रश्न के बना सकते हो। इस एक्सरसाइज अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।